दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैंने काम करते करते सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और लंच करने के लिए मैं लंच करने के लिए नहीं बेसिकली लंच उठाने के लिए मैं अपने घर के पास वाले हॉकर सेंटर में आ गया। तो 4 जून हो रही है आज और झोले के एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत कर लेते हैं। 4 जून 2020 आपको सामने दिखा देता हूँ कि हॉकर सेंटर, मैंने कई बार इस वीडियो में कई वीडियोस बनाए इस हॉकर सेंटर को लेकर क्योंकि मेरे घर के पास का ये हॉकर सेंटर है। मैं सोचा कि एक बार आपको, हमेशा यूजली क्या होता है कि मैं घर पे खाना मंगा लेता हूँ उसके बाद वीडियो शुरू करता हूँ, मैंने इस बार सोचा कि चलिए आपको पास जब जाते हैं तो एक बार हॉकर सेंटर के भी दर्शन करा देते हैं कि 4 जून में इसके हालात कैसे हैं। काफ़ी कुछ बैरिकेटेड दिखेगा आपको, काफ़ी शॉप्स खुली हैं वैसे फ़िलहाल तो, लेकिन हाँ जैसे कि सिटिंग अलाउड नहीं है तो काफ़ी चीज़ें बैठ नहीं सकते। मैं आपको एक बार इसके रंग रूप दिखा देता हूँ। दुकान थोड़ी सी काफ़ी ओपन है बट अब जैसे आप अंदर बैठ नहीं सकते हो, केवल टेक अवे के लिए है, तो चल उठा के सामान लेके चलेंगे घर पे और आगे वीडियो बनाएंगे। बट मैं ये देखिए काफ़ी दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन शॉप काफ़ी बैठने की जगह थोड़ी कम है। मैं उठाता हूँ खाने को, 1 बीहून एंड 2 मियो। ओके थैंक यू। मैं आपको बोल रहा था कि मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, एक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है ताकि मैं अगले वीडियोस में अगर आपको कुछ और दिलचस्पी हो देखने की या फिर मैं ला के आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने जो ऑर्डर किया अभी वो है फ़िलहाल फ्राइड बिहून और काफ़ी ऑप्शंस हैं इनके पास। और ये देख लीजिए यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शंस, जो मैंने फिर से ऑर्डर किया आज 2 मियाओ, $8 के 2 मियाओ हैं जो कि हो गए आपके 400 रुपये, और फ्राइड बिहून जो है उसकी कीमत जो है $5 यानी कि 250 रुपये। बाकी आपको हॉकर सेंटर के दर्शन तो कर देता था कि अभी काफ़ी शॉप्स ओपन तो हो गई हैं कम्पिटिवली, धीरे धीरे चीज़ें वापस पटरी पर आती हुई, लेकिन हाँ जैसे आप चेयर पे कहीं पर भी आप सब पे लाल निशान लगे हुए हैं तो आप किसी भी चेयर पे बैठ नहीं सकते हैं। थोड़े से माहौल सुधरते हैं तो शायद तक आपको बैठना अलाउड हो जाएगा बट फिलहाल बैठना अलाउड नहीं है। क्यों टेक अवे करने के लिए आप बैठ सकते हैं, तो मैं जब तक ऑर्डर तैयार होता है हमारा तब तक मैं बैठ सकता हूँ। और इसके बाद कुछ पीने के लिए उठाएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली टेक अवे का फंडा क्या है अगर आप कोई ड्रिंक लेते हो यहाँ पर। ये देखिए हमारा तैयार हो गया स्वीट एंड सार फिश, कुछ फैंसी चीज़ लग रही है मेरे को। ये देखिए मोई फैन, कुछ और ट्राई करेंगे अगली बार आते हैं यहाँ पर। These are rice noodles. I don't need that. Thank you. $13 हुए हैं। ग्रास नूडल्स ग्रास नूडल्स और ग्लास नूडल्स ऑल्सो बिकॉज द वे इट लुक्स। या थैंक यू। ग्लास नूडल्स या फिर आप राइस नूडल्स, थैंक यू। मैं घर पहुँचूंगा तो आपको टेस्ट करके बताऊँगा एग्जैक्टली कैसा है। थैंक यू सो मच। चलिए खाने की चीज़ उठा लिया, मैं आपको ड्रिंक्स उठाते हैं। 2 चीज़ मैंने सोची हुई है जो कि लेंगे आज। देखिए काफ़ी ऑप्शंस, सो 1 तेतारी एंड 1 तेओ जिंजर विद लाइम आइस। हम आपको दिखा रहे कि ऑप्शन देखिए काफ़ी सारे गरम, अगर आप ऊपर ठंडे में ऑप्शन, मैंने जो ऑफर लिया है वो तेज तारीख कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है। और दूसरा आपका आई जिंजर तियो लाइम। काफ़ी कुछ खाने के लिए भी अपने इंडिया से चखना अगर आपको लेने का मन हो तो वो भी सब मिलता है यहाँ पर।
एंड वन 3 तारीख। ये देखिए मैं जो कहने वाला था, देखिए पैकेजिंग देखिए इसकी किस स्टाइल में आप टेक अवे कर सकते हैं। और ये है आपके जिंजर आइस लेमन टी, बेसिकली अंग्रेजी में अगर मैं रूपांतरण अनुवाद करूँ। थैंक यू सर। ये देखिए चाय जो कि यहाँ पे 3 तारीख कहते हैं, पुल्ड टी बेसिकली, और साथ में आपका लाइस लेमन। ओहो मेरे आँखों में ये जाता हुआ क्योंकि बट हाँ, अब तरीका देख रहे हैं किस तरह से आप पैकेजिंग है, जिस तरह से आप इसे ले जा सकते हैं कैरी करके। तो ये हो गए 2 चीज़ पीने के लिए और साथ में 2 चीज़ खाने के लिए। इसकी जो कीमत थी आपकी 3 तारीख जो है वो यहाँ पर $1 यानी कि 50 रुपये, 3 तारीख मतलब वही आइस सॉरी आपका पुल्ड टी चाय और साथ में आपका आइस जिंजर आइस टी वो आपकी $2 यानी कि 100 रुपये। तो चलिए अब फिर से वापस वॉक करता हूँ घर तक और फिर आपको खा पी के दिखाते हैं बीहून यानी कि राइस नूडल्स और साथ में आपके डोंग म्याओ घास फूस मस्त बहुत सही होती है, मैंने बहुत बार पहले खाया हुआ है, काफ़ी सही मुझे स्वाद लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलिए आपको फिर से दिखाते हैं बेहतरीन घास फूस साग सब्ज़ी खाता हुआ झोला। चलिए थोड़ा वॉक करते हैं घर की तरफ। मैं ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाला था तो मैंने सोचा चलिए आज आपको थोड़े घर के भी दर्शन करा देते हैं, रूम टूर और अंदर से इंटीरियर के टूर्स के तो हम कराते रहेंगे किसी ना किसी वीडियो में, शायद मोस्ट लाइकली आ जाएगा, बट एक बार हमने सोचा कि चलिए कम से कम बाहर से तो आपको दर्शन करा ही सकते हैं। लीजिए बहुत ही पास पहुँच गए हम अपने घर के और आपको थोड़ा सा यहाँ की तामझाम से रूबरू कराते हैं। ओके ये हम पहुँच गए। अब सबसे पहले आपको सेकंड फ्लोर पे हमें जाना। फ्लोर पे और जो आपको इस फ्लोर पे मुझे एक चीज़ दिखानी थी वो है, अभी फ़िलहाल फंक्शनल नहीं है बट ये देखिए स्विमिंग पूल। जी हाँ, जब माहौल सही होते थे तब कभी हम इसमें डुबकी लगाया करते थे बट फ़िलहाल माहौल ऐसे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हम इसमें डुबकी लगाने से। ऑलराइट, जैसा कि मैंने दिखाया कि मैं घर में घुस गया हूँ, मैंने बस टेबल पे वही अपनी पुरानी आप जिससे परिचित हो गए वही सी टेबल पे मैंने जो भी खाना लेकर आया हूँ वो लगा लिया है। और शुरुआत करते हैं चाय जो मैंने 3 तारीख बोली, जिसको पुल टी कहते हैं, अभी 3 तारीख कहते हैं, उसको मैंने अलग से रख लिया है, खाने के साथ नहीं खाऊंगा उसको। बाद में जब इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ उस दौरान उस चाय की चुस्की लूँगा, बट फिलहाल 4 चीज़ लेकर आया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, 3 चीज़ें टेबल पे लग गई हैं। ये सबसे पहले मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई ग्लास नहीं था जिसमें मैं इस पूरे
आइस टी को उसमें पोर कर सकूँ। तो मैंने जुगाड़ के तौर पे एक बाउल था मेरे पास, कभी किसी जाने में मैं कुछ तो खाने को लेकर आऊँगा उसका, ये रखा हुआ था मेरे पास कटोरा सो कॉल्ड, उसमें मैंने रख लिया है। ये देखिए फिर से मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको एक एक चीज़। जैसे मैंने बताया कि ये $2 की पड़ी थी, ये आइस लेमन टी विथ जिंजर। एक बार टेस्ट करते हैं इसको। ओ भाई जितनी माहौल में गर्मी है ना, तर बतर कर दिया, बहुत बढ़िया। गिरने का डर न है मेरे को, बस साइड कर देते हैं हम। ठीक है आप, मुझे एक्चुअली मैं आपको दिखाना था कि जुगाड़ देखिए आप किस तरह से, अगर आपको टेक अवे करना है एक लिक्विड पदार्थ तो किस तरह से आप जुगाड़ है यहाँ पर इसको ले जाने का। और केवल ठंडी चीज़ नहीं, जैसे कि आपने देखा कि मैं जो गर्म तेज तारीख लेकर आया हूँ वो भी इसी तरह से पॉलिथीन पैक में दी जाती है यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने जो दो मेन खाने की चीज़ें हमने मंगाई हैं, एक आपके जैसे मैंने आपको दिखाया, चलिए फिर से थर्माकोल, ये भी मुझे आपको दिखाना था कि ये देखिए थर्माकोल की पैकिंग में है अच्छी एक फ्राइड की हुई ना, जैसे कहते वो क्योंकि उन्होंने कढ़ाई में इसे तलहारा है, वोक जिसे कहते हैं, और इसलिए काफ़ी अच्छी एक स्मेल आती हुई फ्राइड। अगर आपने गौर फरमाया तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था कि चिकन है, वेज है, नॉन वेज है, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ इसमें, ये देखिए मुझे चिकन के पीसेस दिख रहे हैं, नाइस, एग दिख रहा है, प्रॉन्स दिख रहे हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि ये देखिए गरम गरम धुआं उड़ता हुआ है, नाइस, ये देखें आप। काफी अच्छा स्वाद, काफी 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 अच्छा स्वाद, बहुत ही फेमस चीज है ये सिंगापुर की, बीहून बहुत टिपिकल स्ट्रीट फूड में काउंट की जाती है, बहुत जगहों पे आपको मिलेगा, और काफ़ी अच्छा अच्छा होगा सेंटर से जिनको जो स्पेशलाइज करते हैं इस चीज़ को बनाने में। सोवैया होती है ना टेक्सचर वैसा, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि आपको राइस से नूडल्स बने हुए हैं, अपने यूजली जो इंडिया में नूडल्स मिलते हैं वो आपके या तो मैदे के या फिर आटे के होते हैं, ये आपका, और साथ में अंडा भी। ये देखिए आपको पास से दिखा देता हूँ चिकन के पीसेस, हाँ हाँ और जो मैंने इसको बगल में दिया, जो इस आइसक्रीम की कीमत थी वो $2 थी, यानी कि $100 हो गए, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसकी जो कीमत थी $5, यानी कि आपके ₹250। एक चिकन भी उड़ा है, ये देखिए, और देखिए कल जो कढ़ाई होता है ना उसका टेक्सचर या फिर उसका जो लीजिए। अब देखिए ये था पैकिंग इसकी थर्माकोल के पैकेट में, और ये है आपका प्लास्टिक के बेसिकली कंटेनर में, और माइक्रोवेवेबल है ये, मतलब इसको आप घर में लाते हैं अगर ठंडा हो जाता है तो इसको आप माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं, मैंने कभी किया हुआ इसीलिए मुझे याद है। और जैसे मैंने नाम बताया इसका डोमियो, और ये बेसिकली आपके मटर के जो ऊपर का पार्ट होता है, मटर के जो पेड़ का वो है, मटर स्प्राउट, मतलब बेसिकली पी स्प्राउट्स, ये देखिए, और टेस्ट करता हूँ मैं। बेहतरीन भाई, अगर आप देखो तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा, जितना मुझे लगता है ये ऑयस्टर सॉस होता है, हल्का सा नमक, हल्का सा गार्लिक मतलब लहसुन, और ऑयस्टर सॉस में स्टर फ्राई, और बिल्कुल दैट इज इट, मतलब उसके अलावा उसके अलावा इसमें कुछ नहीं। और इसकी जो कीमत थी वो थी $8, यानी कि एक नॉन वेज नूडल्स की कीमत $5 है, और ये जो है इसकी कीमत आपकी $8, मतलब ये हो गया आपके ₹400, और ये था आपके ₹250 का, ये देखिए। मैं कटोरी लेके भी बैठा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि दोनों को मिक्स भी कर लेंगे और फिर देखते हैं कि, और ये देखिए हल्का सा इसका जो
ऑयस्टर का जो सॉस है ये देखिए, वो मुझे लगता है अलग अलग लगते हैं, इसका भी अलग से बहुत ही अच्छा स्वाद है, इसका भी अच्छा स्वाद है, साथ में मिक्स करने में मतलब दोनों के टेस्ट आ रहा, मतलब दोनों के इतने स्ट्रांग टेस्ट हैं कि आपस में घुलने को और मिलने को भी तैयार नहीं है। डायरेक्टली इसी से खाता हूँ, चिकन के पीसेस, प्रॉन्स के पीसेस और धुआं निकलता हुआ। आई होप ये एक टिपिकल सिंगापुरियन स्ट्रीट फूड का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आराम से खाता हूँ, आइस टी पीने का भी अंत हो रहा है मेरा, बीच बीच में इसका भी सिप लेना बनता है। चलिए इस सिप के साथ, एक तृप्ति मिलती हुई इस सिप के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। आई होप ये बकचोदी आपको पसंद आई होगी, एक पीस स्प्राउट और एक बीहून यानी कि आपका फ्राइड राइस नूडल्स के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। मिलता हूं अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे। काफी लंबा वीडियो हो गया इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा कंसाइज कर दूं, इतना लंबा शायद तक आप देखोगे नहीं, तेरे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं और भी देर तक इसे खा सकता हूँ, बट इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पे, तब तक घूमिए आवारा।